चुनावी आंकड़ों पर सुप्रीम कोर्ट में पूरा फंसा है चुनाव आयोग। कौन है वो तीन दिग्गज वकील जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई और अवकाश बेंच में चुनाव आयोग के छुड़ाए पसीने? चुनावी आंकड़ों में देरी, चुनाव आयोग पर तीखे वार, संगीन आरोप, फॉर्म 17C का डेटा जारी करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट की अवकाश बेंच। चुनाव आयोग इस मामले में मुश्किल में नजर आया, सुप्रीम कोर्ट में सवालों के जवाब देते देते थक गया। मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ही है, लेकिन चुनावी आंकड़े और फॉर्म 17C का डेटा जारी करने वाली याचिका को फिलहाल लंबित रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस ADR और कॉमन संस्था की तरफ से डाली गई इस याचिका पर शुरू में CJI चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ग्रीष्म अवकाश हुआ तब इस मामले में 2 जजों की अवकाश बेंच ने सुनवाई की। इस अवकाश बेंच में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र मिश्रा शामिल थे। वन इंडिया ने इस केस की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाई, लेकिन अब हम वो बताने जा रहे हैं जो बेहद अहम है, बेहद गंभीर है। सवाल है कि इस याचिकाकर्ता के वो तीन दिग्गज वकील कौन हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के पसीने ला दिए थे। चलिए जानते हैं। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण और सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे, यही वो तीन दिग्गज वकील हैं जिन्होंने चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में नाको चने चबवा दिए। हालांकि इस मामले में कुछ और भी याचिकाएं पड़ी थी जिनके भी अलग अलग वकीलों ने चुनाव आयोग में वकील मनिंदर सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जमकर बहस की थी। यानी सिंघवी, प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे के अलावा मानो वकीलों की फौज चुनाव आयोग के वकील को टक्कर देने पहुंची थी। इन तीनों वरिष्ठ वकीलों के अलावा नेहा राठी और सेरिल डिसूजा जैसे वकील भी इस सुनवाई में शामिल रहे। चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में खड़े इन तीनों वकीलों का मानो इन मामलों में डंका बजता है। इन तीनों सीनियर एडवोकेट्स ने कई ऐसे केसेस लड़े हैं जो कि नेशनल लेवल पर सुर्खियां बटोर चुका है, क्योंकि उन केसेस ने देश की दिशा और दशा बदलने में काफी मदद की है। इनमें से एक सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण तो अरविंद केजरीवाल के कई मामलों में उनका साथ देते नजर आ चुके हैं। वहीं दुष्यंत दवे ने भी कई बड़े केसेस लड़े हैं। दवे और सिंघवी कई केसेस सुप्रीम कोर्ट के CJI के सामने भी लड़ चुके हैं। हालांकि चुनावी आंकड़े और फॉर्म 17C डेटा से जुड़े इस केस का फाइनल फैसला अभी नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देश के मुताबिक अब इसका फैसला चुनाव के बाद ही आ पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहती कि 6 फेज के चुनाव हो जाने के बाद इस केस की वजह से कोई चुनाव में रुकावट आ जाए, जिसके बाद इस केस को लेकर देश की जनता को भी अब इस बात का इंतजार है इस पर क्या फैसला होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के ये तीन दिग्गज वकील आगे होने वाली सुनवाइयों में चुनाव आयोग की दलीलों की धज्जियां कैसे उड़ाते हैं, यह भी देखना अहम होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।